शुक्रिया आप सभी को, क्योंकि ये मौका ही ऐसा है, लेकिन आप लोगों ने हमें बुलाकर सम्मान दिया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। आठ साल से मीरा भाई का 18 किलोमीटर का छोटी एरिया है, उसमें जिसके माँ बाप अकेले रहते हैं या जिसके बेटे नहीं है, या बेटे होते हुए भी अपने माँ बाप भूखे हैं या उनको खाना नहीं दे रहे हैं, तो वैसे लोगों को मैं फाउंड करके उनका एक बेटा बन के उनकी सारी जरूरियात, खाने पीने की, मेडिसिन की, क्योंकि ये इसमें उनकी जरूरियात है। तो अभी 180 माँ बाप का मैं छोटा बेटा हूँ, और मैंने सुना है महाभारत में कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं दो माँ और दो बाप का बेटा हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो आज मैं ये मन से कहना चाहता हूँ कि मेरे 180 माँ बाप है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और सर के लिए कहूंगा, राजेश जी के लिए, कि गुरु सबसे महान है और विद्या देने वाले तो सबसे बड़ा गुरु हैं। तो आज मैं खुद कहता हूं कि आप मेरे भी गुरु हैं सर। थैंक यू सो मच। कह दिया कि डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं, माँ बाप जो इनकी सेवा करते हैं, और उन्होंने खुद आज इतने सारे लोगों को खाना पहुंचाते हैं, और विदाउट एनी पब्लिसिटी, नथिंग। सबसे बड़ी बात तो ये 92.7 बिग एफएम ने ये मुहिम उठाकर तो एटलीस्ट इतना तो लोगों के पास ये बात पहुंचा दी है कि आप भी आगे आइए और करिए। और राजेश जी के लिए कहूँगा, राजेश जी आपकी तरह तो हम कर नहीं पाते, लेकिन हम भी छुप छुप के बगैर पब्लिसिटी के जितना हो सके विद्या देने की कोशिश करते हैं। हवाई ज़्यादा के, क्योंकि ये पहला कदम उठाने वाला कि हवाई ज़्यादा में जो हमने कहा कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने उड़ाया था वो सच है, लेकिन उससे भी 8 साल पहले एक हिंदुस्तानी ने उड़ाया था, पहला कदम उठाने वाला। तो मैं उनमें से इनको मानता हूँ कि हवाई ज़्यादा के उन्होंने कदम उठाया ऐसा काम करने के लिए, हमें भी बताया कि इस तरह से काम करना चाहिए।